राजकीय सामान्य चिकित्सालय में राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी जिला चिकित्सालय अलवर की ओर से एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, शहर विधायक संजय शर्मा सहित अस्पताल प्रशासन व प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। बीएमओ सुनील चौहान ने बताया कि बैठक की अध्यक्षता जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने की। इस दौरान बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनमें ईएनटी विभाग के इंस्ट्रूमेंट के लिए 25 लाख रूपये की मंजूरी मिली। साथ ही नेत्र विभाग के लिए 27,000 की मंजूरी दी गई। इसके अलावा जनाना व सामान्य चिकित्सालय के अंडरपास के लिए इंस्पेक्शन का काम भी जल्दी शुरू किया जाएगा। पीएमओ सुनील चौहान ने बताया कि नाक कान गला विभाग में 25 लाख रुपए उपकरण के लिए स्वीकृत किए गए हैं। राजीव गांधी सामान्य अस्पताल से लेकर महिला अस्पताल तक अंडरपास बनना है। उस अंडरपास को बनाने के लिए लगभग 6 से 7 करोड़ रुपए की लागत आएगी, तो उसके लिए भी बैठक में वार्ता की गई और सभी से सुझाव लिए गए। राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी जिला चिकित्सालय अलवर के लिए मीटिंग थी, जिसमें अध्यक्षता कलेक्टर साहब ने की थी और माननीय एमएलए साहब संजय शर्मा जी सदस्य थे, तो इन्होंने सभी ने अटेंड किया था और मीटिंग जो है सफलतापूर्वक संपन्न हुई। उसमें कई निर्णय लिए गए, जैसे कि ईएनटी विभाग के लिए करीब 25 लाख रुपए का इंस्ट्रूमेंट्स की मंजूरी हुई है, साथ में नेत्र विभाग के लिए भी 27 लाख रुपए की मंजूरी हुई है जो इंस्ट्रूमेंट्स आने हैं उसके लिए हुई है। और बाकी जैसे अंडरपास जनाना और सामान्य चिकित्सालय को जोड़ने के लिए बनना है, तो उसके ऊपर भी मंथन हुआ है, तो करीब 6-7 करोड़ रुपए का उसका एस्टिमेशन हुआ है और वो काम भी शीघ्र हो जाएगा। सर, लंबे समय से सर अपने महिला जो हॉस्पिटल है उसमें सोनोग्राफी को लेकर गर्भवती महिलाओं को ज्यादा परेशानी आ रही है, सर मानसिकता ही नहीं है कि क्या रीजन है कि अभी हो जाएगा या हो रहा है, सर लगातार ये समस्या आ रही है। हाँ, इसकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि सिर्फ 2 ही सोनोग्राफी के चिकित्सक हैं और उनको भी जो है छुट्टी पे भी जाना होता है, कोर्ट एविडेंस में भी जाना होता है, तो जब कोर्ट एविडेंस में जाते हैं तो उस समय एक ही सोनोग्राफिस्ट रह जाता है, तो इसलिए वो एक ही जगह सोनोग्राफी कर पाता है, तो बाकी जो सोनोग्राफी है जनाना वालों को सामान्य चिकित्सालय में कराया जाता है। और इसमें हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि और सोनोग्राफिस्ट को जो फील्ड में है आसपास जिले के बाहर हैं तो वो कुछ दिन के लिए बीच बीच में आ जाते हैं, तो हमारी व्यवस्था सुचारू हो सकती है या हम हायर करने की भी कोशिश करेंगे कि कोई कॉन्टैक्ट पे किसी सोनोग्राफिस्ट को लिया जाए तो वो हमारे यहाँ पे सेवा दे सके।